Don't forget to subscribe to our channel. लाखों लोगों की मौत एलोपैथी की दवा खाने से हुई है. जितने लोगों की मौत हॉस्पिटल न जाने के कारण से हुई, ऑक्सीजन न मिलने के कारण से हुई है, उससे ज्यादा लोगों की मौत ऑक्सीजन के बावजूद हुई है, दवा एलोपैथी की दवा मिलने के बावजूद हुई है, स्टीराइड की वजह से हुई है. देश के कोरोना योद्धाओं का अपमान करते हुए एलोपैथी को दिवालिया बताने वाले बाबा रामदेव ने ऐसा बयान दिया है जो सवाल उठाता है कि महामारी एक्ट के तहत क्यों न बाबा रामदेव के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए. बाबा रामदेव ने अंग्रेजी दवाओं और अस्पतालों को फेल बताते हुए ऐसा बयान दे डाला, जिसके बाद डॉक्टर गुस्से में आ गए और बाबा रामदेव की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं. दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल की रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन ने बाबा रामदेव के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की मांग करते हुए कहा. रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन मिस्टर रामकिशन यादव उर्फ रामदेव बाबा की कड़े शब्दों में निंदा करती है, जिन्होंने खुलेआम और असंसदीय भाषा में एलोपैथी की आलोचना और अपमान किया है. उनके बयान बेहद घटिया और बेतुके ही नहीं बल्कि साइंस का अपमान करने वाले हैं. एक तरफ एलोपैथी से इलाज करने वाले डॉक्टर कोरोना महामारी की आग का सबसे ज्यादा सामना कर रहे हैं, दूसरी तरफ ये सज्जन मेडिकल साइंस के खिलाफ गलत जानकारी और नफरत फैला रहे हैं. जब ऐसा व्यक्ति ऐसे बयान जारी करता है जिसे मीडिया बड़ी मात्रा में कवर करता है तो इसके दुष्परिणाम बड़े गंभीर होते हैं. ऐसे बयानों से हेल्थ वर्कर्स का हौसला भी पस्त होता है जो फ्रंट लाइन योद्धा के तौर पर काम कर रहे हैं, और उनमें से कई ने अपनी जिंदगी की कुर्बानियां भी दी हैं. एलोपैथी आज की तारीख तक साइंस के नजर से सबसे असरदार इलाज का तरीका है. सबूत के साथ दवाएं बनाने का काम सिर्फ एलोपैथी में होता है. रामदेव बाबा के बयान को हेट स्पीच माना जाना चाहिए और उनके खिलाफ जिम्मेदार प्रशासनिक अधिकारियों को महामारी एक्ट 1987 के तहत मुकदमा दर्ज करना चाहिए. हम रामदेव बाबा से एलोपैथी और इसकी प्रैक्टिस करने वालों से बिना शर्त सार्वजनिक माफी की मांग करते हैं. बाबा रामदेव इससे पहले भी ऑक्सीजन, रेमडेसिविर और इलाज के दूसरे तरीकों पर एलोपैथी की खुलकर आलोचना करते आए हैं, जबकि इम्यूनिटी बूस्टर दवा कोरोनिल को उन्होंने बिना WHO की प्रमाणिकता के कोरोना की दवा बता दिया. जिस एलोपैथी वाले अपने आप को जो सुपर साइंस बोलने वाले हैं कि गजब का तमाशा है, एलोपैथी एक ऐसी स्टूपिड और दिवालिया साइंस है कि पहले क्लोरोक्विन फेल हुई, फिर रेमडेसिविर फेल हो गई, फिर एंटीबायोटिक्स इनके फेल हो गए, फिर स्टेराइड इनके फेल हो गए, प्लाज्मा थेरेपी के ऊपर भी कल बैन लग गया, और इवरमार्क्टिन भी फेल हो गया, और जो है अभी एक बुखार के लिए क्या दे रहे हैं वो फेवी फ्लू वो भी फेल है. जितनी भी दवाएं दे रहे हैं फिर लोग कह रहे हैं तमाशा हूं क्या रहा है. बुखार की दवाई उनकी कोई कोरोना के ऊपर काम नहीं कर रही, क्योंकि आप बॉडी का टेम्परेचर उतार देते हैं. टेम्परेचर जिस कारण से आ रहा है, उस वायरस को, उस इन्फ्लेमेशन को, उस बैक्टीरिया को, उस जो है अलग उस फंगस को, जो भी अलग अलग प्रकार के इन्फेक्शन से जिस कारण से बुखार हो रहा हो उसका निवारण तुम्हारे पास में है नहीं तो कैसे ठीक करोगे. इसलिए मैं बहुत बड़ी बात कह रहा हूं, हो सकता है इसके ऊपर कुछ लोग विवाद करें. लाखों लोगों की मौत एलोपैथी की दवा खाने से हुई है. जितने लोगों की मौत हॉस्पिटल न जाने के कारण से हुई, ऑक्सीजन न मिलने के कारण से हुई है, उससे ज्यादा लोगों की मौत ऑक्सीजन के बावजूद हुई है, दवा एलोपैथी की दवा मिलने के बावजूद हुई है, स्टीराइड की वजह से हुई है. ये कोई ताली बजाने की बात नहीं है, वैसे बात बता रहा हूं. ये पीड़ा की बात है कि लोग समझ ही नहीं रहे करें क्या. इसलिए अभी लाखों लोगों की मौत का कारण एलोपैथी है. थैंक्स फॉर वॉचिंग. इफ यू लाइक दिस वीडियो, don't forget to subscribe our channel for more.